हाय, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड। आज फाइनली जब मार्केट क्लोज हो रहा था, आज यानी कि 19 मई 2022 को जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तो हमारा निफ्टी 50 जो है वो 2.6% से डाउन था और वहीं पे निफ्टी बैंक जो है वो हमारे 2.5% से डाउन था। हमने हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने कल रात में ही सतर्क कर दिया था कि आज एक डाउनफॉल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो जो लोग शॉर्टिंग के ऊपर ध्यान देते हैं या शॉर्ट्स करते हैं तो वो इसमें अपना दिन बना सकते हैं। अब बात आता है कि ये हमें क्यों ऐसा लगा कि आज मार्केट गिरने वाला है। तो कल रात में जब मैं यूएस मार्केट को ट्रैक कर रही थी तो मुझे देखने को मिला कि यूएस मार्केट में जो जो इंडेसेस हैं, चाहे वो डॉ जोन्स हो गए या नेस्टैक हो गए या S&P 500 हो गए, इन सारे इंडेसेस में हमें 3.5 से 4% तक का एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये जो शार्प डाउनफॉल था, ये डाउनफॉल क्यों था? तो जैसे इंडिया में कुछ रिटेल्स कंपनी है, लाइक डीमार्ट हो गया या फिर आप रिलायंस रिटेल की बात कर लें, तो वैसी ही एक कंपनी यूएस में है जिसका नाम टारगेट है। तो कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट जो थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, जिस कारण से एक शार्प डाउनफॉल हमें यूएस के मार्केट में भी देखने को मिला। तो अब ये शार्प डाउनफॉल तो था, रिजल्ट्स उतना भी गंदा नहीं था, लेकिन हाँ वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। तो एज के जब मार्केट, जब कोई कंपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं करती है तो मार्केट उसको पनिश करता है। तो सेम चीज़ हुआ, उस कंपनी को पनिश किया गया और एक सिंगल डे में टारगेट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25% तक वाइप आउट हो गया। मतलब कि आप बोल सकते हैं 1/4 जो है उसका मार्केट कैप जो है वो वाइप आउट हो गया। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लास्ट जो इतना बड़ा डाउनफॉल आया था इस कंपनी के शेयर प्राइस में, तो वो जो लास्ट डाउनफॉल था वो था इन द ईयर 1987 में। 1987 में एक इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था टारगेट कंपनी के अंदर, और फिर आज से करीब, मतलब कि अभी से 35 साल के बाद देखा जाता है, और ऑलमोस्ट 35 साल के बाद फिर से हमें ये डाउनफॉल जो है मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिला। अब आपको क्या लगता है कि एक कंपनी का रिजल्ट्स यूएस के पूरे मार्केट को हिला सकता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है ना कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यूएस में रिसेशन आ सकता है। अब ये जो रिसेशन आएगा, ऊपर से इन्फ्लेशन, साथ में रशिया और यूक्रेन का वॉर जिसके कारण से क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डालता है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन पर इफेक्ट करेगा, और जितने भी वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को ले लीजिए या फिर आप किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का बात कर लीजिए, तो हर चीज़ में जो है ये एक आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, जिस कारण से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि न्यूज़ से हमें ये भी पता चला है कि आने वाले एक दो महीने में, मतलब कि जून जुलाई के अराउंड, आरबीआई अपना फिर से मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने वाली है। कि फिर से हमें लग रहा है कि जो अभी रेट हाइक्स हुए हैं 40 बेसिस पॉइंट के, तो ये और अभी बेसिस पॉइंट में और भी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आप अभी किसी भी कंपनी में अपना ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना डालें, हल्का हल्का छोटा छोटा अमाउंट आप कंपनी में एक्यूमुलेट करें, और जब आपको सिग्नल मिल जाए, जब अच्छा क्लोजिंग मिल जाए, वीकली क्लोजिंग में कैंडल ग्रीन क्लोज हो, तब आप सोचें कि हाँ अब से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और मार्केट अब यहाँ से एक यू टर्न ले सकता है। आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा कि आज के इस मार्केट फॉल का रीज़न क्या था, आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, यूएस में क्यों इतना शार्प डाउनफॉल आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी बात है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड, बाय।